क्रमांक 1 के रहवासी रास्ता बंद होने के कारण काफी परेशानी में हैं। वार्ड वासियों का आरोप है कि यहाँ पर स्कूल संचालक उनके रास्ते पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, जिसके कारण उन्हें मंडी तक जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके चलते उन्होंने कई बार नगर पालिका तो कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो रहा। अब हालत यह है कि इनको निकलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके वैकल्पिक व्यवस्था करवा दी जाएगी, लेकिन कई महीनों से कोई भी व्यवस्था न होने के चलते ये लोग परेशान हैं। वहीं आज सभी एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर इन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और रास्ते की मांग की। हमें ये रास्ता मिलना चाहिए, हमें ये पुरानी रास्ता बंद हो गई है, स्कूल के पीछे बाउंड्री हो रही, वहाँ पे हमें रास्ता मिलना चाहिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? नाना कहीं स्कूल के पीछे। तो अभी बाउंड्री कौन कर रहा है? मेंबर, वार्ड मेंबर। तो वार्ड नंबर एक आपने इसकी शिकायत पार्षद से की? हाँ, कही। क्या बोले वो? मुझे बोली कि तीसरी रास्ता नहीं मिला तो नगर पालिका में भी की थी। हाँ, की कलेक्टर में भी की है। नगर पालिका से कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कल सर जा रहे हैं, आवेदन दे दिया। क्या बोला? हमने बोला था कि जाएंगे और कोई नहीं आया। हम जाएंगे देखने का, तो फिर रास्ता जा रहे थे, बोले ही होगा रास्ता मिलेगी तो भाई। तो ये आप जा रहे थे नगर पालिका में? नहीं आता क्या? आता है ना। आता है। फिर आपको रास्ता क्यों नहीं जा रही? मैंने क्या कह दी, तुम्हें रास्ता मिले हो बहन जी के, तुमने परेशान हो रही है। आपके आपके घर तक रास्ता डली है? डली है, पक्की रास्ता। हाँ, पक्की है। तो अब उस रास्ते को खोद कर बाउंड्री की जा रही है। हमारे लिए मतलब एक रास्ता था ये मंडी पे जाने के लिए, मतलब और इधर से निकलने के लिए, तो एक रास्ता पहले ही बंद हो चुका है जो मंडी वाला था, और एक रास्ता मतलब ये स्कूल वाले बंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उधर अतिक्रमण कर लिया, उसकी वजह से हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा, और ये एक जो आखिरी रास्ता है वो भी मतलब जो स्कूल वाले बंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मतलब इस कारण से हम मतलब तो शिकायतें हमने शिकायत भी की है, मतलब नगर पालिका में भी गए थे, नगर अध्यक्ष के पास भी गए थे, सीएम हेल्पलाइन पे भी मतलब किया है, और मतलब कलेक्ट्रेट भी गए थे हम लोग, मतलब तो मतलब वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या है मतलब नगर मतलब कलेक्टर तो नहीं मिले थे, और सलुआ जी ने बोला था मतलब कि आएंगे, तो लेकिन हम लोग कल भी गए थे, तो कल भी वहाँ से कोई आदमी नहीं आया, आज भी गए हमारे घर के लोग मतलब बहुत से। ये कौन सी जगह है? ये मतलब नाना खेड़ी मतलब वार्ड क्रमांक 1 है, स्कूल के पीछे मतलब।